मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी, और जिस तरह से ये तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज पर नजर रखते हुए और इसका टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा, और खास करके आरटीपीसीआर का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर एक। और दूसरा जो टीकाकरण, ये टीकाकरण भी मैक्सिमम हम लोग करवाते रहेंगे ताकि लोगों पर इसका असर कम से कम पड़े, तो इसके लिए हम लोग दोनों तरफ काम कर रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि सब जगह फैल रहा है, तो आप जानते हैं कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, वो तो अपने यहाँ के लोग भी जाते हैं, तो अब वैसे लोग जो कहीं दूसरी जगह काम, अब उनको दिक्कत हो रही है तो लौटते हैं। तो अब ये सिलसिला चलेगा, तो जो बाहर से आएंगे सबका जांच किया जा रहा है, अगर जांच हो जाता है तो पता चल जाता है और उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बिना जांच के किसी तरह से कहीं पहुंच जाएगा तो उस आदमी को तो खुद पता नहीं चलता है कि हमको कोई समस्या है, लेकिन कोई दूसरा उनके नजदीक जाएगा उसको हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके एक एक बात पूरा का पूरा न सिर्फ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस काम में लगा हुआ है, और आपदा प्रबंधन के लोगों को भी लगाया हुआ है, हर प्रकार से एक एक चीज को देखना और इसके बारे में रेगुलरली आपदा की मीटिंग भी करना कि आगे क्या क्या होना है। और आप जानते हैं हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी सभी दलों की मीटिंग होनी चाहिए, तो हम लोगों ने उनसे बात की, वो सहमत हो गए। तो आप जानते हैं 17 तारीख को सभी दलों की मीटिंग भी है, तो ये सब मीटिंग हो जाएगी और कई तरह के सुझाव आएंगे सबको ध्यान में रखते हुए, और जो कुछ भी करना है बेहतर ढंग से उसको किया जाए। लेकिन पहली की स्थिति बनी हुई है, पहली की स्थिति बनी हुई है, पूरे तौर पर बहुत ही सक्रिय और सचेत है, और एक एक चीज के बारे में पूरी जानकारी और रेगुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारे मंत्री जी, हमारे अधिकारी जो हैं उतय अमृत जी, सब लोग सभी लोगों से बातचीत करते हैं और हर स्तर पर एक एक चीज की जानकारी ली जाती है और क्या करना चाहिए इसके बारे में विमर्श भी करते हैं, विचार भी करते हैं, और जो भी जरूरत होता है लोग केंद्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में। पैनिक की स्थिति बनी हुई है मुख्यमंत्री जी, पैनिक की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे लोग लगातार बदहवास हो रहे हैं। सब लोगों से अपील किया जा रहा है कि भाई जान रहे, हम लोग तो प्रारंभ से ही कह रहे थे कि फिर से बढ़ रहा है, इसलिए सचेत रहना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, थोड़ा दूरी बनाइए, हाथ वगैरह को साफ करिए, अकारण घर से मत निकलिए, सब तरह की बात जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, तो उस चीज का अब धीरे धीरे असर होने लगा, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि अब शहरी इलाके में नहीं, अब कई जगहों पर रूरल इलाके में भी, ग्रामीण अंचल में भी शुरू हुआ, तो अब सब लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जा रहा है। अब जैसे बीमार लोग होंगे तो उनके लिए और ज्यादा बेड हम लोग हॉस्पिटल्स में, और कुछ हॉस्पिटल्स को सीधे इसी के लिए केंद्रित कर रहे हैं, तो एक एक चीज पर बात चल रही है, कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसके बारे में पूरे तौर पर सक्रियता नहीं हो रही है, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि लोगों का टेस्ट हो जाए, अधिकतम लोगों का टेस्ट हो जाए ताकि पता चल जाए कौन पॉजिटिव है, उनका इंतजाम किया जाए, उनके लिए सही परामर्श हो जाए। तो एक तो ये जरूरी है, और दूसरा चीज है कि जो चल रहा है वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम है, जो लोगों को भविष्य में बचाएगा। नाइट कर्फ्यू पर सरकार विचार कर रही है। अभी हम लोग एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, और इन सब चीजों पर हमारे लोग बाहर बात भी करते हैं, जो भी बाहर से लोग आना चाहें जल्दी से जल्दी आ भी जाएं, ये सब सारी बात है। और जहां तक अपने राज्य में कुछ करना है, अभी हम लोग जो 17 तारीख को सभी दलों के साथ सबका विचार सुन लेंगे गवर्नर साहब के नेतृत्व में, और उसको देखते हुए भी और जो जरूरत होगा, और यहां पर जो स्थिति और इसी तरह से बिगड़ती जाएगी, तो
पर जो भी कदम उठाना है उसके लिए किया गया। लेकिन अभी टीका लेने से परहेज कर रहे हैं, इस सब नहीं, परहेज नहीं करना चाहिए, एकदम टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। हम लोग तो धीरे, हम लोग का दूसरा दौर हो गया, पहला 1 मार्च को जो शुरू हुआ था तो उस दिन हम लोगों ने लिया था और तय किया था कि 31 मार्च को दूसरा लेंगे, लेकिन इसी बीच में केंद्र की तरफ से आ गया कि नहीं, आप दूसरे दौर में जो हम लोगों को टीकाकरण हम लोगों का हुआ था तो उसका 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में करना है। तो वही करीब IGIMS ने तय किया आज की तारीख का, हम लोग आकर के आज कराए हैं और उस तरह से आज के बाद से निरंतर जो लोग पहला दौर करा चुके हैं टीकाकरण, वो दूसरे दौर के लिए करेंगे। और जांच वाली बात, हम लोग तो रेगुलरली सब लोगों से अनुरोध करते हैं और आप लोगों को बता दें कि हम लोग खुद भी बराबर अपना जांच कराते रहते हैं ताकि काम करते रहते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं तो जांच खुद जरूर कराते हैं। तो यही हम लोगों का है और आप सब लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोगों के लिए भी जो हम लोगों ने सोचा है कि निश्चित रूप से पत्रकार बंधुओं का भी टीकाकरण हो जाना चाहिए, उसके लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं।